रिश्ता लिखेंगे हम नया। दिया, हर पल में आपका प्यार महसूस कर सकते। हम आपसे प्यार नहीं करते। आप मुझसे प्यार करती हैं दिया। नहीं दिया, यू लव मी। छोड़िए हमें। करती हैं दिया, एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत प्यार करते हैं आपसे। मुझे पता था दिया कि आप मुझसे प्यार करती हैं। अब आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। चाहिए यह आपका मानना है रतन, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आपको जो सोचना है वो सोचिए। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उस चार्टर्ड प्लेन तक आप हमें सिर्फ ड्रॉप करने आ जाइए, ताकि आप हमें जाते हुए देख सके और आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। दोस्ती की है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। सामान बांध लो अपना, चार्टर प्लेन कुछ ही देर में आ रहा है। सीक्रेट पैसेज से बाहर तक आ जाना, हम गाड़ी की डिक्की खुली रखेंगे। देखा और सुना मैंने कि कैसे रतन ने तुम्हें उकसाया और तुमने अपने प्यार का इजहार कर लिया। याद रखना, मैं सब देख और सुन सकता हूं, और यह भी याद रखना कि रतन की जान अब भी मेरे कब्जे में है, तो कोई होशियारी मत करना। हमसे कोई गलती नहीं होगी। प्यार इंसान को कितना मजबूर कर सकता है। खुद को ही देखो, वफादार दिया आज एक देशद्रोही है, एक आतंकवादी को भगाने का प्लान कर रही है। तुमने अपने प्यार को तो बचा लिया, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कर दी। तुमने मेरे एक मिशन को फेल किया, अब तुम खुद मेरे मिशन का एक हिस्सा हो। सच में बहुत महान हूं मैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। हम अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे, फिर चाहे देश के लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। रतन, जब आपको ये लेटर मिलेगा तब हम आपसे सबसे बहुत दूर जा चुके होंगे। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत गुस्सा होंगे। हमने आपसे बहुत बड़ी बात छिपाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का गर्व होगा कि आपकी पत्नी ने देश के साथ गद्दारी नहीं की, उस आतंकवादी को जाने नहीं दिया। सच मानिए रतन, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। बात आपकी जिंदगी की थी, वो बहरूपिया उस हमले के बाद भी महल में ही छिपा था। उसने हमारी तरफ से आपको एक लॉकेट दिया जिसमें बॉम्ब था। वो हमें ब्लैकमेल करता रहा और हम उसके आगे झुकते रहे। हम किसी भी कीमत पर उस आतंकवादी को देश छोड़कर जाने नहीं दे सकते। आज अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मंजूर है हमें। आपको और इस देश को
कभी कुछ नहीं होने देंगे हम। सॉरी रतन, हमने इतनी बेरहमी से आपका प्यार भरा दिल तोड़ दिया, लेकिन हम मजबूर थे। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं रतन, और हमेशा करते रहेंगे। कालका माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हमें आप ही का प्यार मिले, आप ही का साथ मिले। आप हमेशा खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा। आई लव यू रतन। आपकी दिया। हेलो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। थामा तेरा हाथ ये सात जन्मों के लिए, मन को यूं तेरा बनाया है जगने। यश आपसे बहुत नाराज है। आप उनकी बेस्ट फ्रेंड है और आप बिना किसी वजह के हम सबको छोड़कर जा रही है, सारे रिश्ते खत्म कर रही है। क्यों? मोना भाई साहब, हमारी तरफ से यशवन्ना को सॉरी कह दीजिएगा। भाई साहब, प्लीज मत जाइए, हम सबकी खातिर रुक जाइए। प्लीज दिया, प्लीज मत जाइए। ईशा जी, जीसा प्लीज हमें मत रोकिए। इस घर में हमारा साथ सिर्फ इतना ही था। दिया भाई सुनिए ना, कुछ दिन रुक जाइए। मास और आयुष जी भी नहीं है, नहीं पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। और जो भी बात है हम बैठ के सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना। प्लीज रुक जाइए, प्लीज।
प्लीज हमारा रास्ता मत रोकिए, जाना है हमें। ठकरानी सर, इतने सालों का रिश्ता रहा है हमारे ठकरानी सा से, बिना कुछ बोले कैसे जा सकती है? इतनी कठोर दिल है वो कि दो पल में सारे रिश्ते तोड़ देंगी। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है कि आप ये सब कर रही हैं? ऐसा करने की वजह हम आपको नहीं बता सकते। अगर आपसे कुछ कहेंगे तो हमारा प्यार हमें कमजोर कर देगा और हम वो नहीं कर पाएंगे जो इस वक्त जरूरी है। दिया, मैं आपके सामान डिक्की में रख देता हूं। रतन, हम अपना सामान खुद अंदर रखेंगे। आपको अभी मेरा साथ चाहिए दिया? क्यों? अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको ड्रॉप करने के लिए नहीं आऊंगा, फिर आप इतना हर्ट क्यों रही हैं? मजाक कर रहा हूं दिया, ऐसा कभी भी हुआ है कि आपने मुझसे कोई चीज मांगी और मैंने आपको ना दिया हो? कभी नहीं ना, मैं तो बस अपना मोबाइल भूल गया था, लेकर आता हूं। और आप फिक्र मत कीजिए दिया, आपको आपके चार्टर्ड प्लेन तक मैं खुद छोड़ने आऊंगा, बस अभी आया। तुम दोनों का इश्क विश्क खत्म हो गया हो तो चले। तुम चुप बैठो, तुम्हें इस देश से बाहर जाने का मौका मिल रहा है ना, तो जो हो रहा है वो सुनते रहो, चुपचाप अंदर छुपो। चलिए दिया। जब कभी आपके बाल आपकी पिन में अटक जाएंगे तो उसे निकालेगा कौन? या फिर चलते चलते आप सीढ़ियों से गिरने वाली हो तो आपका हाथ कौन थामेगा? और जो आप ये ठीक से सीट बेल्ट नहीं लगा पाती हैं, वो कौन लगाएगा? हम अपनी आदतें बदल देंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। गाड़ी चलाइए, हमें देर हो रही है, प्लीज चले। Why fear when Ratan is here, दिया? आपकी कभी मैंने बात कोई डाली है? नहीं ना।
ये सब इसमें ला दीजिए। साक्षी जी सा, दिया ठकरानी सा इस महल को छोड़कर गई है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा। किसी के रोकने पर भी वो नहीं रुकी। जीजी साहब, हाँ आप ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक है, पानी पीने आए थे हम। अरे संभालिए, आपको क्या हो गया? दिया, सात फेरों वाली प्रॉमिसेस में से एक प्रॉमिस ये भी थी कि आखिरी वक्त तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और मुझे तो अभी भी पूरा विश्वास है कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने। दिया, टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, पीछे डिक्की में दो टायर और हैं, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। रतन ने अगर वो डिक्की खोली तो वो आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। रतन, रतन आप टायर चेंज मत करिए। क्यों? इतना समय है नहीं हमारे पास बर्बाद करने के लिए। सामने ही पंक्चर वाला है, उसके पास जाके टायर का पंक्चर बनवाते हैं। दी, आपकी प्लेन में सिर्फ 15 मिनट बचे, 5 मिनट में मैं खुद टायर चेंज कर दूंगा, क्यों वहां तक जाना? नहीं, हमने कहा ना कोई समय बर्बाद नहीं होगा, चल के पंक्चर बनवाइए। चलिए, हमें हमारे पैसे चाहिए, और कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा हमें? आप हमारे पैसे दे क्यों नहीं रहे हैं? पैसे कहाँ है हमारे? हाँ, आपको कोई आइडिया भी है इस वक्त हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? हमने अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी आपके पास गिरवी रख दी, कम से कम 20-30 लाख कीमत होगी उसकी, और आप हमें हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे? हमें हमारे पैसे चाहिए इसी वक्त। पैसे? कैसे पैसे? के सबूत है तुम्हारे पास कि आपने मुझे गहने दिए थे? हाँ, सबूत हो तो लाओ, हम देते थे गहने। बिना सबूत के बात करना बेकार है, और बिना सबूत के पुलिस भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और एक बात याद रखना, आज के बाद मैसेज और फोन करके मुझे ना बुलाओ, इसे हमारे पास फालतू टाइम ना से। अरे पर जिंदगी आपका इंतजार करूंगा दिया, एंड आई प्रॉमिस मैं खुद को बदलने की भी पूरी कोशिश करूंगा। जानता हूं थोड़ा सेल्फिश हूं, लेकिन आई प्रॉमिस केसर महल की ओर भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, जॉगिंग पे भी जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठकर आपकी याद में चाय भी पीऊंगा, लेट नाइट पार्टीज भी नहीं करूंगा दिया। अपनी इस लेगेसी को संभाल कर रखूंगा और ऊपर लेकर जाऊंगा। मांगू तेरी खैर में, तू सलामत बस रहे तेरे लिए। हम नहीं जाना चाहते रतन, रोक लीजिए हमें, नहीं जाना चाहते हम।
जाने का वक्त हो गया रतन, इस बार भी हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। इस बार आप हमारे लिए कोई गुड बाय गिफ्ट नहीं ले आए। दिया, एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं था कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए मैं आपके लिए कोई गुड बाय गिफ्ट नहीं लाया। तो क्यों ना आप हमें वही गिफ्ट करें जो आपने हमें सबसे पहले गिफ्ट किया था जब आप हमें सबसे पहले मिले थे। कैक्टस प्लांट। ओके दिया, आप सिर्फ मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं कहीं से भी कैक्टस प्लांट आपके लिए अरेंज करता हूँ। ठीक है, आप 15 मिनट में जाके आइए, हम यही आपका इंतजार करते हैं। अभी आया दिया। साक्षी लीसा, उठिए। ये आदमी कौन था और ये आपसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? कौन से पैसे, कौन सी ज्वेलरी की बात कर रहा था? हमें सच सच बताइए। कुछ नहीं मोहना भाई साहब, कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं, हमें सच सच बताइए। जीजा, आप कोई मुसीबत में है ना? हाँ बताइए। मोहना भाई साहब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मोहना भाई साहब, वो मोहक साहब पे 80 से 90 लाख का कर्जा, विवाह इवेंट से पहले वो एक जुए में सारे पैसे हार गए। उन्होंने सोचा कि विवाह इवेंट के बाद दादा हुकुम का अच्छा मूड देखकर वो उन्हें अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर टेररिस्ट अटैक की वजह से सब गड़बड़ हो गई, हम कुछ भी नहीं कर पाए। और अब वो क्लब वाले वो अपने पैसे मांग रहे हैं, वो मोहक साहब को धमकियां पे धमकियां दिए जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। जब दिया ढकरानी सा थी ना, तो उनसे ये सारी बातें करना बहुत आसान हो जाता था। वो हमारी बातें समझती थी, वो हमारी हेल्प भी कर देती थी। पर अब हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या कहें हम दाता हुकुम से। अगर उन्हें जुए के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ये बहुत बुरा लगेगा। मोहक सा किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रहे, आखिर है तो वो घर जमाई ही ना, तो इस घर वालों से वो इतनी बड़ी रकम कैसे मांगेंगे, आप बताइए। और इसी मुसीबत के चलते हमने मासा की दी हुई सारी ज्वेलरी गिरवी रख दी। ये जो आदमी था ये वही साहूकार था जिससे हम सारा लेन देन करते। फिर मोहना भाई साहब हमारी ज्वेलरी लेने के बाद ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं ना, ये हमें पैसे दे रहे हैं और हमारी ज्वेलरी भी हड़प करके बैठा हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, उस साहूकार को हम आपकी ज्वेलरी हड़पने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रास्ता हम जरूर निकालेंगे। आज मैं आजाद हूं, जा रहा हूं यहां से, लेकिन वापस आऊंगा और दहशत फैलाने। अब कुछ ही देर में हमारा चार्टर्ड प्लेन आ जाएगा, रतन के यहाँ आने से पहले हम दोनों यहाँ से जा चुके होंगे। वेरी गुड दिया, रतन के यहाँ पर आने से पहले ही हम देश के बाहर होंगे और प्लेन में बैठते ही मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूंगा। नहीं तारीसा, तारीसा हमारा मन नहीं मान रहा। हमने तो ये सोचा था कि हमारे नाराज होने का कुछ तो असर होगा दिया भाई साहब पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो यहाँ से चली गई। तारीसा, हम दिया भाई साहब को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। काकू साहब को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते हम, वो नहीं जी पाएंगे दिया भाई साहब के बिना, हम जानते हैं। रुक जाइए यशमना, हमने सारी कोशिशें कर ली से, लेकिन हमारी बातों का दिया ठकराने साहब पर कोई असर को नहीं हो रहा से। दादी साहब, हम फिर से कोशिश करेंगे। यशपन्ना, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया से।
अभी कैक्टस कहाँ ढूंढूं मैं? मिल गया। मेरा लॉकेट दिया का दिया हुआ आखिरी गिफ्ट था और वो भी मैंने घुमा दिया। जशपन्ना को फोन करता हूं। हेलो हेलो यशपन्ना, एक बार यशपन्ना प्लीज मेरे कमरे में जाके चेक कीजिए ना कि वहां पे शायद मैं अपना लॉकेट छोड़ाया हूँ। जी काकू सर। प्लीज जल्दी। जी काकू सर, हम देखते हैं। कहाँ पे? तकिए। यशपन्ना मिला क्या? नहीं यहाँ पे तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, बुक शेल्फ या फिर अलमीरा के पास देखिए, तब तक मैं होल्ड करता हूँ। हमें दिया भाई से कोई लॉकेट नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे एक लेटर मिला है। कैसा लेटर? काकू सर, दिया भाई से कैसे बर्ताव सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो आतंकवादी, वो भैरूपी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वो आतंकवादी अभी उनके साथ है, वो उसके दबाव में ये सब कर रही है। काकू साहब, जो आपने लॉकेट पहना था उसमें बॉम्ब है। और दिया भाई साहब अपनी जान देने जा रही है, उन्हें प्लीज रोकिए। उन्हें प्लीज रोकिए, हम वहां पहुंचते हैं। दिया! किसी भी वक्त अब चार्टर्ड प्लेन आता ही होगा। दिया, फिक्र मत कीजिए, ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच ही रहेगी। तुम्हें क्या लगा हाँ, इतना आसान है मुझे हराना? इतनी जल्दी मर जाऊंगा मैं? जैसे आतंकवादी को हमारे देश से बाहर जाने दे देंगे? मत जाने दो दिया, मत जाने दो। ये किस्सा आज यही खत्म करते हैं।
उस रिमोट का बटन दबाओ और ये सारा मामला अभी खत्म कर दो। दबाओ दिया। दिया दोनों मिलके इस दुनिया को साथ में अलविदा कहते हैं, मर जाते हैं। दिया बटन दबाओ। तुम्हें क्या लगता है हम मरने से डरते हैं? मरने से हम आज तक नहीं डरे, और हमारे देश के लिए तो हमारे सातों जन्म कुर्बान। इस देश की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं। माना कि हम रतन से बहुत प्यार करते हैं, पर हम अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को डूबता नहीं देखेंगे। अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। बहुत झुके तुम्हारे आगे अपने वतन के लिए। बहुत ओछा बर्ताव किया तुमने हमारे साथ, पर हम अपने देश के प्रति अपने प्रतिष्ठा को कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। अब चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? इतना आसान नहीं है मुझे मारना दिया। बहुत होगी तुम्हारी चालाकी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।